हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी लेकर के। आप इस स्टोरी को सुनने के बाद आपके अंदर जो सक्सेस है, जो खुद के जीवन को बदलने की लालसा है, वो जागृत होगी। और ये स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है कि ये आपके अंदर आग लगाने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दिस वीडियो इज़ अबाउट दीपा मलिक। शी इज़ एन यू नो स्पोर्ट्स पर्सन। और क्यों इनकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है वो हम लोग देखते हैं, राइट? तो शी वॉज बॉर्न ऑन September 30, 1970। थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है ये बात जानने के लिए कि इनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग क्यों है, ठीक है? देखो, इनके बचपन में ही इनके स्पाइन में ट्यूमर था, तो शुरुआत में ट्रीटमेंट हुआ और ये नॉर्मल हो गई, लेकिन एट द एज ऑफ 29 वो ट्यूमर वापस आता है, ठीक है ना? और डॉक्टर इनको दो ऑप्शन देते हैं कि या तो ट्यूमर बस्ट हो जाएगा और आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और अगर आप ट्यूमर के ऑपरेशन के लिए जाती हैं तो फिर आपका जो मतलब चेस्ट से नीचे का पोर्शन है वो पैरालाइज हो जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा। तो आप ध्यान रहें कि इनका जो चेस्ट के नीचे का पोर्शन है वो डिसेबल्ड है, वो काम नहीं करता। इवन ये अपने डेली रूटीन भी खुद नहीं कर सकती थी, ठीक है? इतना नीचे का हिस्सा बिल्कुल जो है वो आप समझ लो कि डेड टाइप का है, राइट? तो अब सोचो, आप आदमी ऐसी स्थिति में होगा कि उसका नीचे का धड़ काम नहीं कर रहा, उसका एज 30 है, लोगों ने इनसे कहा कि ये कुछ नहीं कर सकते, ये बोझ है और ये फाइनेंशियली लोगों के फाइनेंशियली परिवार के ऊपर बर्डन है। तो आपको पता है, जब इंसान जीवन में ऐसी स्थिति में आता है कोई उसका साथ नहीं देता, और आपने देखा होगा कि ऐसी स्थिति में समाज, परिवार, यार दोस्त सब लोग साथ छोड़ देते हैं। लेकिन इनके अंदर हिम्मत था, इनके अंदर जज्बा था, इन्होंने लाइफ को चुना, इनका ऑपरेशन हुआ और इनका नीचे का धड़ पूरा पैरालाइज हो गया, राइट? उसके बाद आप देखो, तो इनका जो स्टोरी है ना, वो आपको बहाना जो आप मारते हो ना, मेरे पास सामने ये समस्याएं हैं, मेरे सामने वो समस्याएं हैं, वो आपको बहाना मारना आप बंद कर दोगे इनकी कहानी जानने के बाद। देखो, सबसे पहला चीज है, इन्होंने अपना जो करियर है 30 में आगे चालू किया। 30 में एक स्पोर्ट्समैन के लिए अपना करियर चालू करना बहुत मुश्किल होता है, और एक चीज में नहीं, मल्टीपल स्पोर्ट्स खेला इन्होंने, शॉट पुट, स्विमिंग, जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, इवन मोटरसाइकिलिंग, ठीक है ना? और ओवरऑल 18 इंटरनेशनल एंड नियरली 54 नेशनल मेडल्स इन वेरियस स्पोर्टिंग इवेंट। 18 इंटरनेशनल एंड 54 नेशनल मेडल्स जीते इन्होंने, ठीक है ना? कहने की बात है, इन्होंने मतलब इस स्टेज पे इन्होंने बहुत हाई लेवल पे लाइक लद्दाख वगैरह में बाइक चलाई है, जहाँ पे नॉर्मल आदमी को की भी बाइक चलाने में हालत ख़राब हो जाती है, राइट? इनके बहुत सारे, जैसे मैंने बोला है कि इन्होंने एडवेंचर स्पोर्ट में भी पार्टिसिपेट किया, हिमालयन मोटर स्पोर्ट एसोसिएशन HMA एंड फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया, है ना? इनके पास 4 लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 4 लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड, रिमेंबर डिसेबिलिटी के बाद, ठीक है? इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, लाइक मेडल इन पैरालंपिक, पद्मश्री अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, राइट? तो आप सोचो कि एक ऐसी लेडी जो फिजिकली चैलेंज्ड है, ठीक है, जिसके लिए सर्वाइव करना मुश्किल है, सिर्फ उसने अपनी विल पावर के साथ, जिसको लोग बोझ समझ रहे थे, जिसको ये समझ रहे थे कुछ नहीं कर सकती है। आप देखो इनका रिकॉर्ड, देखो एक स्पोर्ट नहीं, जहाँ एक स्पोर्ट में मेडल जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है, मल्टीपल स्पोर्ट्स, ठीक है, जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, मोटरसाइकिल, शॉर्ट पुट, स्विमिंग में मेडल जीता, वो भी एक नहीं 18 इंटरनेशनल एंड 54 नेशनल, ठीक है? कितने सारे अवार्ड्स इनको मिले हैं, ठीक है? सो ये बहाना लाइफ में नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप इनके बारे में और पढ़ सकते हैं YouTube पे सर्च करके, और गूगल पे इनकी बायोग्राफी वगैरह अवेलेबल है, आप इनके बारे में और कुछ जान सकते हैं। लेकिन आई होप कि इतना जो मैंने बताया ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होगा, और कि अगर ये कर सकते हैं तो आपके पास सब कुछ है। भगवान ने आपको एक अच्छा शरीर दिया है, अच्छा दिमाग दिया है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? जरा बैठ के जरूर सोचिएगा कि अगर दीपा मलिक जी कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। सिर्फ एक डिफरेंस है ठान लेने का, राइट? मैं ऐसी बहुत सारी जो इंस्पायरिंग वीडियोज़ हैं करता रहता हूँ,
और अगर आप जाओगे देखोगे तो मैंने थॉट पावर पे बहुत सारी वीडियो किया है, जैसे गॉड इज डेड, राइट, सुकरात के बारे में, गुरु तेग बहादुर जी के बारे में, मनस्थिति को कैसे चेंज करें और मेडिटेशन कैसे करें, क्या आप स्पिरिचुअलिज्म करने से आपका मटेरियलिस्टिक ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट होता है, आपकी हैबिट आपका सक्सेस कैसे डिसाइड करती हैं, प्रिजनर्स एक्सपेरिमेंट कैसे आपके थॉट को दिखाता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का क्या फ़ायदा है, संभाजी महाराज ने 40 दिन की प्रताड़ना कैसे झेली थी, और मंसूर जिन्होंने अनालक का नारा दिया, उनके बारे में ये सारी मैंने वीडियो बनाई हैं जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग है आपके लिए। और अगर आप लेट्स क्रैक गेट एंड ESEME पे जाओगे तो वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, पावर ऑफ थॉट्स बाय JS गिल, वहाँ आप ये सारी वीडियो एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।